नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। देवरी। मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी के नेतृत्व में दिन सोमवार को बड़ी संख्या में किसानों ने SDM परिसर पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें प्राकृतिक आपदा एवं कीटों के प्रकोप से नष्ट हुई खरीफ सीजन की संपूर्ण फसल सोयाबीन, उड़द, अरहर, मूंग, मक्का, तिली, धान का अविलंब सर्वे कर मुआवजा दिलाने की मांग की है। खरीफ की फसलों में अफलन का प्रकोप, ऐसी 15 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन SDM देवरी को सौंपा गया एवं पूर्व मंत्री द्वारा कहा गया कि यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं होती हैं तो हजारों की संख्या में किसानों के साथ धरना व आंदोलन करने पर विवश होंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनी थी 15 वर्ष के प्रशासन के बाद, भ्रष्टाचारी सरकार के अंत के बाद, जो विश्वास गिराया था जनता के बीच में, किसानों के बीच में, युवाओं के बीच में, किसानों के साथ साथ वो कर्मचारी साथी जो लगातार 15 वर्ष तक मध्य प्रदेश सरकार के शासन कुशासन के कष्ट से व्याप्त थे, अंत हुआ था। और अंत के साथ एक ऐसी सरकार का आगाज हुआ था जो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ आम आदमी के लिए काम करने वाली सरकार बनी थी। आज जरूरत इस बात की थी कि किसान के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता थी। वो युवा जो लंबे समय तक परेशान था रोजगार के लिए, दर दर भटक रहा था डिग्री लेकर, किन किन मांगों को लेकर दिया गया है, यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या होगा? जैसा कि सबको मालूम है, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में उड़द, सोयाबीन, मूंग, मक्का, धान, सभी प्रकार की जो खरीफ की फसलें नष्ट हो चुकी हैं और 100% फसलें नष्ट हो चुकी हैं। मतलब इसकी सरकार की मुखिया सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सर्वे ना करवा के जब 100% नुकसान है तो सर्वे के आधार पर ना करके 100% नुकसान के आधार पर राशि, मुआवजे की राशि दी जाए। जब पूर्व मुख्यमंत्री जी विपक्ष में हुआ करते थे, उन्हीं ने कहा है कि किसानों के लिए 40,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से मुआवजे की राशि मिलना चाहिए। मैं भी इसकी बात का सहमत हूँ। आज वो मुख्यमंत्री हैं, पहले विपक्ष में थे, कमलनाथ जी की सरकार से बात करते थे। आज हम लोगों की मांग है कि जो आपने कहा है वो आप करके दिखाएं। ऐसे संकट की घड़ी में जब किसान चारों तरफ से परेशान है और आपकी बीमा की राशि नहीं मिल पा रही है, बीमा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, 29 तारीख को आपके द्वारा आदेश जारी होते हैं, 31 तारीख तक आदेश किए जाते हैं, 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा, एक दिन में रजिस्ट्रेशन होना, बीमा होना कैसे संभव है? कहीं ना कहीं गुमराह करने की प्रवृत्ति जो पूर्व में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुखिया की रही है, पुनः गुमराह करने की बात शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पर भ्रष्टाचारियों को, दलालों को मौका देने का काम मतलब इसके मुखिया करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अधिकारी कर्मचारी जो बगैर सुविधा शुल्क के काम नहीं करते हैं उनको मौका मिलेगा। हमारा ऐसा मानना है कि यदि आप किसान हैं, देशी मुख्यमंत्री हैं, किसान पुत्र अपने आप को कहते हैं, तो ऐसे संकट की घड़ी में किसान के आंसू पहुँचे और किसान के लिए फौरी तौर पर 100% की नुकसान है तो मुआवजे की राशि दी जाए। खबर समय जगत के लिए देवरी से उपेंद्र राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।